चले जी, खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर में बड़े वादे किए गए थे। आपको बताया कि 1990 में भी कुछ वाकया ऐसा हुआ है जब वादी कश्मीर में जो है यहाँ के पंडित्स को माइग्रेशन करनी पड़ी। क्यों माइग्रेशन करनी पड़ी, ये भी सवाल है। हमने आपको इससे पहले कुछ स्टोरियाँ दिखाई कि हकीकत हमने आपको दिखाई कि 90 में क्या वाकया पेश आया है कश्मीरी पंडितों के साथ, जो स्टेट जम्मू कश्मीर के बाकी स्टेटों में अभी रह रहे या जम्मू के कुछ इलाकों में अभी रह रहे, और कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में भी अभी रह रहे हैं। क्या कुछ वाकया पेश आया है 2019 के बाद, वादे किए गए हैं क्या, उसके बाद टारगेट किलिंग भी हुई है और कुछ माह पहले जो है टारगेट किलिंग वादी कश्मीर में बढ़ चुकी है जिसमें कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है और कश्मीरी मुसलमान भी उसमें मर चुके हैं। लेकिन क्या कुछ हकाइक है, मेरे साथ मौजूद है एक सोशल एक्टिविस्ट नसरुल्ला साहब, आज इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करें क्योंकि महारत रखते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है, और इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करें कि 90 की दिहाई में क्या कुछ हुआ है, ये इनसे जानने की कोशिश करें। नसरुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बता दीजिएगा, मुख्तसरन बता दीजिएगा मुझे कि 90 की दिहाई में क्या कुछ वाकया हुआ है, क्या ये हकीकत है कि मस्जिदों में अजानों के बदले ऐलानात हुए हैं कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया जाए। देखिए, जैसे कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई राहुल भट्ट की चाडोरा बडगाम में उनकी अचानक हत्या करके, और एडवोकेट बाबर कादरी का उन्हीं की रिहाइशगाह पे उनकी अचानक हत्या करके, और तकरीबन 1.5-2 महीने पहले दोबारा हमारे कश्मीरी पंडित भाई पूरन कृष्ण भट्ट की शुपियान में उनकी हत्या करके, कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर दीगर कश्मीरियों की हत्याएँ करके, और तकरीबन जो बाहर से यहाँ आए काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कुछ मजदूरों की हत्याएं करने की साजिश के पीछे, मैं यही कहूँगा जो ये कर रहे हैं, जो इसके पीछे बैठे हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स के इस खूनी खेल को कश्मीर में कश्मीरियों के साथ खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि कश्मीर के हालात किसी भी तरह से ठीक हो, और दरअसल यही इनका एजेंडा है, और इसी एजेंडे के साथ आज ये खड़े हैं, और इसीलिए जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आज ये हाल है। नसरुल्ला साहब, ये बताएगा मुझे कि कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है, क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर फाइल्स मूवी में जो दिखाया गया उसमें क्या कुछ हकाइक है, क्योंकि आपने भी ज़मीनी सतह पे देख लिया और आप लगातार हम आपके वीडियोस देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्या वो हकीकत है जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया है? मैं यही कहूँगा, जब से मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई है, मैं कहता हूँ तब से जैसे कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मूवी द कश्मीर फाइल्स सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने, माहौल ख़राब करने के मकसद से ही ये मूवी बनाई गई है, बल्कि इस मूवी के ज़रिए कश्मीरी मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत यह है कि आज भी यहाँ कश्मीरी मुस्लिम सिख और कुछ कश्मीरी पंडित यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं। मैं कहता हूँ आज भी यहाँ कश्मीर में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अमन से और आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। और क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस मूवी को एक प्लान के तहत दिखाया गया है जिससे दो समुदाय के बीच में जानबूझकर आपसी टकराव तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है? और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इस मूवी में कश्मीरी मुस्लिम और सिख कम्युनिटी को जानबूझकर नज़रअंदाज क्यों किया गया, जबकि हकीकत यह है कि 1990 से अब तक कश्मीरी मुस्लिम और सिख भाइयों ने भी अपनी कीमती जानें गंवाई है, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान ही हैं जो अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। मैं पंडित अनुपम खैर, इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और ख़ास तौर पर मरकज़ी सरकार जिसने इस मूवी को बिना सोचे समझे रिलीज़ होने दिया, ये पूछना चाहता हूँ कि 1990 से अब तक कश्मीरी मुस्लिम और क्या हमारे मतलब कश्मीरी पंडित भाई क्या वो हम जो उन्होंने यहाँ पर देखा है, जो इन्होंने यहाँ पे किया है,
मतलब जैसे कि रातों रात वो कश्मीर छोड़ के चले गए थे। मैं कहता हूँ इसका जवाब आपको कश्मीर के हर एक नागरिक से मिलेगा, चाहे वो यहाँ किस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो। यह हकीकत है कि उस वक्त 1990s में कश्मीरी पंडितों को ये भरोसा दिया गया था उस वक्त के गवर्नर जगमोहन के द्वारा कि कुछ महीनों के बाद ही वो अपने घर मतलब कश्मीर लौट के वापस आ रहे हैं। और ये वो गवर्नर था जिसे उस वक्त बीजेपी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और उस वक्त जनता दल के वीपी सिंह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त होम मिनिस्टर थे। मतलब उस वक्त जनता दल की ही सरकार थी और उस सरकार की मौजूदगी में ही उस वक्त कश्मीर में जो हुआ, मैं कहता हूँ किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो सही नहीं हुआ। तो ये बताएगा मुझे कश्मीर फाइल्स बनी है यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित को लगातार टारगेट किया जा रहा है या कश्मीरी मुसलमान भी उसमें शामिल है, ये बताएगा अब मरकजी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, एलजी इंतजामिया को क्या कुछ करना चाहिए तब जाके यहाँ पे माहौल अच्छा सा बने। और एमएचए की एक सर्वे की गई रिपोर्ट है कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी स्नैरियो बहुत बेहतर है, अब यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं होती है, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या मरकजी सरकार को करना चाहिए? देखिए दरअसल कश्मीर के हालात बेहतर करने का रास्ता ही यही है कि आज कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है, एक तो वो किसी भी सूरत में बंद होना चाहिए और दूसरा कश्मीर की अमन बहाली के लिए आज आपके द्वारा बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ये मालूम है कि कश्मीरियों ने अब तक बहुत कुछ खोया है जिसकी भरपाई कोई भी कीमत देकर भी आप पूरी नहीं कर सकते, पर मैं ये बात आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज आप कश्मीरियों की ओर एक कदम बढ़ते हो, यकीन मानो वो भी आपकी ओर दो कदम बढ़ेंगे। और इस तरह से अगर आज आप कश्मीरियों के दिल जीतने में कामयाब होते हैं, मैं कहता हूँ यह आपकी हुकूमत आपकी सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और बजाय फितना फसाद उठाने के, आज जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को उन्हें रोज़गार कैसे देना है, कश्मीर में दोबारा से अमन खुशहाली का माहौल कैसे वापस लाना है और जम्मू कश्मीर की सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपने कैसे करनी है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आज आपको ये देखना है, जिसके लिए आज आपके पास सरकार है, हुकूमत आपकी है और फैसले लेने के इख्तियारात भी आपके पास है। लिहाजा आज जम्मू कश्मीर में बजाय नफरत फितना फसाद को बढ़ावा देने के, आज जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को उन्हें रोज़गार कैसे देना है, सबसे पहले आज आपको ये देखना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कश्मीरी नौजवानों के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए सिर्फ रोज़गार के रास्ते निकाल करके दिखाओ, अमन खुशहाली तरक्की का रास्ता खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के लिए निकल आएगा। नसरुल्लाह साहब ये बताएगा मुझे, अब कश्मीरी पंडित जो है लगातार अब वापस आ रहे वादी की और जो उनके घर है या उनकी ज़मीन है वो अब उस ज़मीन पे वापस आ रहे, जो कुछ अभी कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर है आना चाहते हैं वापस लेकिन उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज, उनको किसी ना किसी तौर तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर माहौल ख़राब है, क्या कहेंगे आप उनको वापस आने के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ नफ़रत फितना फसाद को बढ़ावा देने से बेहतर है अगर आज जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए अगर आज आपको कुछ करना है, तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको कश्मीरियों के दिल जीतने की ज़रूरत है। और कश्मीरियों के नज़दीक कैसे आना है, मैं कहता हूँ वो रास्ता भी आपको खुद निकालना है। एंड द एट्रोसिटीज बींग परपेट्रेटेड बाई यू ऑन कश्मीरीज मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दैट इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन कश्मीर। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमारे साथ तफसीलन बात करने की। यह हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट नसरुल्लाह साहब, तफसीलन हमने जानने की कोशिश की कि 90 की दहाई में क्या हुआ और 370 ख़त्म होने के बाद क्या कुछ दावे किए गए हैं और कश्मीरी पंडित को लगातार टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब उसमें कमी आई है। नसरुल्लाह साहब का कहना है कि यहाँ पे जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत और तब जाके यहाँ पे जो है डेवलपमेंट आएगी और यहाँ पे यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।